अरे काका एक 5 वाला चिप देना जरा। और बेटा वैक्सीन लगवा ली? नहीं अभी काम ही, थोड़े टाइम में लगवा दूंगा। आपने लगवा ली? नहीं बेटा मेरे को तो कोरोना है ना, मैं बाद में लगवा लो। हैं रख, नहीं 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 रख लो रख लो रख लो भाई। पैसे आप रख लो। हाँ तो ओके ऑल राइट। तो यार आज का वीडियो भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा जैसे टाइटल से, ये वीडियो होने वाला है मास्क के ऊपर सारे। तो जैसे कि आपको पता है कि कोई भी चीज पॉपुलर होती है तो फिर उसके बहुत ज्यादा वेरिएंट्स तो निकल ही जाते हैं। जैसे कि मास्क बने तो फिर उसकी भी बहुत सारी फैक्ट्रियां बन गई अलग अलग टाइप के हैं। एंड ऐसे ही अपने सैनिटाइजर्स के साथ हुआ, तो एक पेन सैनिटाइजर से लेके एक नॉन टच सैनिटाइजर, बहुत वैरायटी के सैनिटाइजर्स है। ऐसे ही अपने मास्क हैं, उनमें से कुछ हम लोगों ने पहले देखे थे, बट जो आज की वीडियो के मास्क हैं वो और थोड़े डिफरेंट है यार। और मुझे पता नहीं था कि यार इतने ज्यादा अलग अलग टाइप के मास्क होंगे, बट बहुत सारे वैरायटी के मास्क आ चुके हैं मार्केट में, तो वही से हम टेस्ट करने वाले हैं। और यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर छोटा सा, तो आज की वीडियो में जो भी हम लोग मास्क देखने वाले हैं वो मैं आप लोगों को किसी भी वे में कैसे भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। हम सबको सबसे पहले वही मास्क पहनना है जो कोविड प्रोटोकॉल्स के अंदर बताया गया, यानी कि डबल लेयर मास्क। और एक्चुअली मैं और आप मिलकर देखने वाले कि यार मार्केट में कितने ज्यादा वैरायटी के मास्क निकाल दिए, तो वही सब हम लोग टेस्ट करने वाले लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो चलो यार आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ओके पहले मास्क की अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा वियर्ड है यार, मतलब ऐसे मास्क अनबॉक्स करना, बट करना पड़ेगा क्योंकि अभी सबसे ज्यादा मेन चीज यही हो गई है। तो यार ये मास्क भी थोड़ा अलग टाइप का है जैसे कि आप देख सकते हो। तो यार इस मास्क का नाम है कॉम्बैट वॉर मास्क। तो यार जैसे कि आप डिजाइन देख सकते हो इसका, और थोड़ा ऐसा लग रहा है यहाँ लड़ाई करने जाएंगे क्या? ऐसा बांध देते हैं यार, खुलता ही नहीं है। आज चाकू लेके आया तो आज कैंची की जरूरत पड़ेगी। ओके तो ये मास्क मैंने ओपन कर लिया है, एंड इसी के साथ यार इसके नैनो 99 फिल्टर्स भी आते हैं, जो जैसे कि आप ये साइड में ग्रिड देख सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली में प्लेस करने रहते हैं। तो उसके साथ आपको एक्स्ट्रा भी दे दिए कि बाद में इनके साथ को यूज़ करना है तो। एंड यार एक चीज़ मैंने नोटिस की, इस मास्क में इतनी मोटी पैडिंग लगाई है ना, जैसे कि आप देख सकते हो सब साइड में काफ़ी अच्छी पैडिंग है, मतलब कि साइड से कुछ एयर जाए ही ना, जो भी एयर जाएगी वो थ्रू ये फिल्टर्स के जाएगी। एंड इसके बाद अगर आप इसका एडजस्टमेंट भी देखते हो तो फिर ये भी थोड़ा अच्छे से एडजस्ट करने के लिए दे रखा है। तो चलो मैं पहन लेता हूँ उसे। ओह यार लेजिट ऐसा लग रहा है कि कोई गेम के अंदर वाला मास्क है, सही लग रहा है यार, नॉट बैड एक्चुअली। तो अच्छा है मास्क, और पहनने के बाद भी कंफर्टेबल तो था, एंड कुछ ऐसा ब्रीथ करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। एंड लुक वाइज अगर आप देखोगे तो ये लुक काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगेगा क्योंकि थोड़ा यूनिक है। एंड अगर आप ये मास्क पहनते हो ना, डेफिनेटली लोग एक बार देखेंगे तो ज़रूर भाई। लेकिन अब वो भी है कि अब मास्क थोड़ी ना दिखाना है यार सबको। ओके चलो इसके बाद नेक्स्ट बॉक्स अनबॉक्स कर लेते हैं। क्या बोला मैंने? ओ यार इसके साथ तो पूरा सा किट आया है, तो ऑब्वियसली इसके साथ भी इसके नैनो फिल्टर्स आए हैं। एक्चुअली में शायद जो पहले वाला मास्क है और ये मास्क है और दोनों एक ही कंपनी के हैं। तो गाइज़ ये जो मास्क है ये है एक हाफ फेस ट्रांसपेरेंट मास्क, ये भी अपने आप में काफ़ी यूनिक है, तो इसे मैं पहले हटा लेता हूँ। वो यार इन लोगों ने मानना पड़ेगा, ये जो कंपनी है ना इन्होंने डिज़ाइंस बहुत तगड़े बनाया। तो ये मास्क है हम लोगों का, एंड यहीं पे बात खत्म नहीं होती। इसके साथ इन लोगों ने इसके लिए दिया है डी फॉग सॉल्यूशन, मतलब कि अगर यहाँ पे थोड़ा फॉग आ जाए, मिस्ट आ जाए, तो फिर आप ये सॉल्यूशन के थ्रू क्लीन कर सकते हो। बाप रे भाई ये डी फॉग सॉल्यूशन ही 100 रुपये का है समझ लो। एंड उसके बाद मास्क क्लीन करने के लिए अलग से क्लॉथ दिया है। तो ये मैं मास्क ओपन कर लेता हूँ। तो चलो सबसे पहले ये मास्क पर डी फॉग सॉल्यूशन ही लगा देते हैं। अब आया है इतना महंगा, लगा देता हूँ यार। बाहर क्यों लगा रहा हूँ इसे, अंदर लगाना चाहिए ना। तो फिर ये डी फॉग सॉल्यूशन लगा दिए, ये मास्क भी पहन के ट्राई करते हैं। ओह यार ये एक्चुअली में इतना ज़्यादा फॉग नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि इसके साइड में भी आप देख सकते हो नैनो 99 फिल्टर्स इधर भी है। कूल कूल, हल्का मेरे को वियर्ड लग रहा है क्योंकि ऐसे टाइप के मास्क मैंने पहने नहीं है कभी, बट फिर भी यार लुक सही है। और यार ये मास्क में भी ना पहले वाले मास्क की तरह काफ़ी अच्छी पैडिंग दे रखी है जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये अच्छी बात है कि पैडिंग रहती है तो फिर ये अपने चुभेगा नहीं कहीं, एंड आप लॉन्ग टाइम तक आराम से पहन पाओगे। भाई मानना पड़ेगा इनोवेशन से सबके। तो यार इसमें भी जो साइड में है ना, वो इसमें भी नैनो 99 फिल्टर है, तो वो आप कुछ इस तरह से रिप्लेस कर सकते हो एंड यहाँ पे लगा सकते हो। तो ठीक है यार ये भी मास्क थोड़ा इनोवेटिव है, चलो नेक्स्ट मास्क देखते हैं। ओके तो चलो ट्रांसपेरेंट मास्क की बात कर रहे हैं, तो फिर एक और चीज़ देख लेते हैं। ये एक्चुअली मास्क नहीं है, ये एक फेस शील्ड है। तो यार ये एक्चुअली में आप लोगों को स्पेक्स के साथ आपको फेस शील्ड मिल जाती है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। मस्त, काफ़ी बढ़िया, आराम से। और अब यार रेबैन या वैसे ग्लासेस का टाइम चला गया है। अब ये चलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरा ऐसा कुछ डिज़ाइन है, इन साइड में कुछ आप ऐसे ओपन कर सकते हो। और एक और चीज़ नोटिस करने वाली है, यहाँ पे ऐसे नोज़ पे सपोर्ट के लिए यहाँ पे ये भी प्रोवाइड किया है इन लोगों ने, तो ये पहन लेते हैं। ओह
थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है, आई नो। हाँ जी, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप ऐसे बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो, 2-3 कैमरामैन आपके पीछे लेके भागते रहते हैं, तो फिर यार ये मास्क आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। और इसी के साथ इन लोगों ने एक नॉर्मल N95 मास्क भी दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली इससे कुछ ज़्यादा प्रोटेक्शन होता नहीं है, तो एक प्रॉपर N95 मास्क इसके साथ फ्री आता है। वो दोनों के कॉम्बिनेशन में आप इसे आराम से पहन सकते हो एंड ठीक लगेगा ये, क्योंकि इससे तो कुछ ज़्यादा प्रोटेक्शन होगा नहीं, तो फिर आप लोगों को एक प्रॉपर N95 मास्क ये लोग एक्स्ट्रा देते, तो आप दोनों के कॉम्बिनेशन में पहन सकते हो इसे कुछ, तो ये भी सही चीज़ है यार, अपने आप में यूनिक चीज़ है। हाँ, तो चलो इस वाले फेस मास्क की बात भी कर लेते हैं यार। ये यार मुझे लगता है जब मैं ऑर्डर कर रहा था ना, मैंने क्वांटिटी देखी ही नहीं, अब इतने सारे आ गए हैं ये। ये गाइस एक्चुअली में मल्टीपर्पज़ वेयर के लिए रहते हैं, ऑब्वियसली आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ये देखे रहेंगे, लेकिन यार ये रहते काफ़ी मस्त हैं और ये बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस में आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो पूरे यहाँ पे दुकान लग चुकी है। ₹10 में ओके। तो यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हम लोगों के पास, कौन सा वाला चूज़ करें, तो ठीक है चलो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे ब्लैक वाले करना है मेरे को, तो यार चलो ब्लैक वाले से स्टार्ट करते हैं, और एक और ये वाला भी ले लेते हैं, चलो दो ले लेते हैं, एक ब्लू वाला एंड ब्लैक वाला। तो इसके बहुत सारे मल्टीपर्पज़ यूज़ रहते हैं यार, चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ओह, इस पर काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, चलो एक ये वाला भी ब्लैक ओपन करते हैं, इसका डिज़ाइन देखते हैं, ऐसा डिज़ाइन है, एंड ये पिंक वाला ऐसा लग रहा है मैं दुकान खोल के बैठा हुआ हूँ। तो यार चलो पॉइंट पे आता हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसे नॉर्मली ऐसे कुछ पहन सकते हो। ओह, हाँ, तो फर्स्ट चीज़ यार कुछ आप ऐसे स्टाइलिंग के लिए भी पहन सकते हो, तो फिर ऐसे कुछ स्टाइल करना है तो फिर ऐसे पहन सकते हो, एंड उसके बाद आप लोगों का ये कुछ ऐसे मास्क बन जाएगा, तो ये एक प्रॉपर मास्क बन जाता है, एंड फिर उसके बाद ये कुछ इस तरह से आप इसे ऊपर लेके जा सकते हो, और फिर ये कुछ ऐसे बैंडाना टाइप का भी बन जाता है, तो फिर ये थोड़ा ऐसे स्टाइल करने के लिए सही है। उसके बाद हम लोग इसे कुछ ऐसे कैप भी बना सकते हैं, हाँ, तो फिर कुछ इस तरह से ये कैप भी बन जाता है, फिर प्लस फिर कुछ ऐसे गुंडा बन भी सकते हो। तो यार बहुत सारे फीचर्स है इसके, मतलब एक ही चीज़ बहुत सारे मल्टीपल काम कर रही है, एंड बहुत सारे डिजाइन है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप देख सकते हो कि अपने वे में सब कूल लगते हैं। और शायद ये मेरे को इतने सारे ₹200 के कुछ पड़े थे, तो फिर ऑलमोस्ट एक का प्राइस कुछ 20-25 होगा, एंड अगर आप ऑनलाइन मंगा रहे हो तो आपको मिनिमम 6 मंगाने पड़ते हैं, मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ, बट मैं सारे लिंक्स और प्राइस अच्छे से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वीडियो के बाद आप आराम से जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लेना कौन सा क्या है, कितने प्राइस का है। और वैसे मैं ₹10-10 में मैं भी बेच रहा हूँ बताओ चाहिए क्या, घर पे आके ले जाना, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, जो हम लोग अब अगला मास्क है, ये भी एक प्रॉपर फुल फेस मास्क है, मतलब फुल फेस, मतलब फुल फेस की, ठीक है, खुल गया। तो यार ये देखते हैं, इसे मैं यार डाकू मास्क बुलाऊंगा, क्योंकि वो आप लोगों को समझ में आएगा क्यों मैं बुला रहा हूँ। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें जो ये ग्रिड है ना, ये जो खिड़की है, ये सिर्फ आइज के लिए है, बाकी सब आपको लोगों का छुप जाता है, एंड दोनों साइड में यहाँ पे वेलक्रो है, तो ये काइंड ऑफ रुमाली बना दिए इन लोगों ने, बट उसमें एक ऐसे खिड़की बनाई है, तो हम लोग इसे पहनते हैं। ओके, कूल कूल भाई, इसमें से खुशबू आ रही है यार, आपको खुशबू नहीं आएगी ऑब्वियसली, बट इसमें से रोज़ की खुशबू आ रही है मेरे को, और जैसे कि आप देख सकते हो डाकू ही लग रहा है कोई भी। ये मास्क मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ को छोड़ के, बस अगर आपको शक्ल छुपानी है तो ये मास्क उसके लिए बना है शायद, और आपकी आंखों के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। बेसिकली रुमाल को पीछे से बांधना पड़ता है, तो फिर इन लोगों ने वेलक्रो लगा दिया, तो आप जाके इसे बांध सकते हो, तो ये भी एक थोड़ा यूनिक है अपने हिसाब में, ठीक है। और अब मार्केट में इसके भी पापा आ गए हैं, ये तो मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है यार, ये मतलब ऐसा है, आप देख लो इधर एक बार ये मास्क, पता नहीं मैंने क्यों मंगाया, बस मैंने देखा, मेरे को थोड़ा फनी लगा, थोड़ा कुछ लगा, तो ये मास्क बेसिकली आपका सब कवर कर देता है, उसमें एटलीस्ट बाल तो दिख रहे थे इसमें बाल भी नहीं दिखेंगे, तो मैं इसे पहन लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यार, ये पूरा ही सब कवर हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है, एंड ये मैंने वाइट पहना है, प्रॉब्लली मैं ब्लैक पहनूंगा तो फिर नीचे से थोड़ा मैच हो जाएगा। और ये सिर्फ मास्क नहीं है एक्चुअली में, ये ठंड के लिए वार्मर है, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ पे एक्चुअल में लोग ये यूज़ करते हैं, और इसके अंदर ये एक एक्स्ट्रा लेयर है, तो इन्होंने भी एक डबल लेयर लगा रखी है अपने इसके अंदर ये क्यों मंगाया मैंने, एंड हर साइड से भाई टाइट करने के लिए इन लोगों ने दे रखा है, जो एक्चुअली में बहुत फनी लगते हैं अगर आप पहन के देखोगे तो। और इसमें से खुशबू अच्छी नहीं आ रही थी, हाँ ये देख सकते हो यार, कितना साइज़ में देख लो आप, कितना बड़ा लग रहा है। तो ये पहनने के बाद तो बेसिकली ये वार्मर ही बोल सकता हूँ, मैं इसे मास्क भी नहीं बोलूँगा, तो ये एक डिफरेंट टाइप की चीज़ थी। तो हाँ, आप समझ सकते हो कि कहाँ कहाँ से मास्क ढूंढ के निकाले गए हैं ये वीडियो के लिए,
मैंने कोशिश की है कि मैं हर एक चीज़, हर एक टाइप का मास्क जैसा भी मिल रहा है मैं सब कवर कर लूँ। लास्ट वाले वीडियो एक और मास्क का वीडियो मैं वो बाद में आप लोग जाके देख सकते हो, यहाँ पे इधर उधर कहीं तो आता है एक आई वाला, तो उधर जाके मैं लिंक कर दूंगा, तो वहाँ पे आप देख लेना दूसरे मास्क का वीडियो। और पर्पस यही था कि आप लोगों को वैरायटी लाके दिखाई जाए कि क्या क्या चल रहा है, और आप लोग बताना कि आप लोगों को मज़ा आया और कौन सा आप लोगों को यूनिक लगा, कौन सा आपका इसमें से फेवरेट था। मेरे को तो डेफिनेटली ट्राई करने में बहुत मज़ा आया। और इसमें से कोई भी मास्क चेकआउट करना हो तो यार सब लिंक डिस्क्रिप्शन में, एंड रिमेंबर अपना पहले आप बेसिक मास्क तो पहनो डबल लेयर के साथ, और कोविड से बचो। तो यार विद दिस नोट आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, एंड हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो फिर उस पर जो भी अच्छी डील्स आएंगी, मतलब आज की डेली डील्स आती रहती है अमेजोन पर अच्छी अच्छी, वो सब हम लोग आपको बताते रहते हैं, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो, उसका भी नाम काउंटिंग यूनिक है। एंड अगर आप चाहो तो फिर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं थोड़ा इन्फोटेनमेंट और थोड़ा मोटिवेशनल, जो मेरे को थोड़ा बहुत पसंद है वैसे टाइप का कंटेंट मैंने बनाना स्टार्ट किया, तो वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय। Looking like a fool in the club right now. Ooh, no, 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 I don't care.